अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपको मामू और अभी मिलकर गाना सुनाने लगे। स्टार्ट। अमी राई विच कब्र करो माया लगे दुआ करके, राई विच कब्र करो माया लगे दुआ करके। हल मिट्टिया कटे ओ पुत्ता हुंदा ठगिया दा हाथ जोड़ के हट जांदे, ओ पता हुंदा ठगिया दा हाथ जोड़ के हट जांदे। वे कोई सावी वे सर गेले, वे कोई सावी वे सर बेले, दिल तेनु की टूटी वे फुलाइयो से, कोई टूटी वे फुलाइयो से, एवं कड़ा नहीं टूटदा किस ठोकर लाइयो से, एवं कड़ा नहीं टूटदा किस ठोकर लाइयो से। वे कड़ा पर कश्मीर विचों, वे कड़ा पर कश्मीर विचों, अनजान बंद की तई ओ गला कर तस्वीर विचों, अनजान बंद की तई गल कर तस्वीर। कोई बागे विच आया करो, कोई बागे विच आया करो, कगी शीशा मैं देसा तुसी चीर कढ़ाया करो। लीजिए नाजरीन हाजरीन सारे कराम हजरात, शाम की चाय समोसे साथ ही समोसा, मजे मजे की चाय बन गई है, हम पी रहे हैं और मेरी बेटी आई है मेहमान है और ये मजा क्या खेल हम खेल रहे हैं। आप लोगों को बनाओ, अगर आप लोगों को भी चाय और समोसा पसंद है तो आ जाए एंजॉय करें हमारे साथ। और ये देखे साथ ही हमारे बच्चे खेल रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा ये फीडर लेकर अपना फिर रहा है। फू फू फू। ये देखे सारे बच्चे आप इस मस्ती के साथ लगे हुए मस्ती कर रहे हैं। हम डाइट किए कावा शेयर करने लगे। ये देखें 1 लीटर पानी में हमने अदरक डाली 2 इंच अदरक और थोड़ा सा जीरा चुटकी एक जीरा। अब इसको अच्छी तरह बॉईल कर ले, जब ये 2 कप रह जाए फिर आप इसको सुबह नहार मुँह 1 लेमन जूस डाल के 1 गिलास पिए नाश्ते से पहले और 1 गिलास रात को खाना खाने से पहले,
तो ये आपका 15-20 दिनों में आपका जो है ना मैक्सिमम तक 10 केजी तक आपका वेट लूज हो जाएगा। जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद हमें जरूर जरूर कमेंट्स करके बताएं आप लोगों का वजन कितना कम हुआ। आप इसको देख सकते हैं, ये भी तैयार नहीं है अच्छी तरह से, पर इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये जब पकने के बाद 2 कप रह जाएगा तो तब हम इसको बंद करेंगे। 1 लीटर पानी, 2 इंच अदरक और थोड़ा सा जीरा, चुटकी भर जीरा, तैयार हो जाएगा। सुबह शाम आपने नहार में इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। लेमन जूस डाल। आज सास बहू के चैनल में ट्विस्ट आया कि उनके घर नंद आई है और नंद पे हमने खाना पकाना शुरू करवा दिया। ये देखें, आज आपके साथ मैं अपनी नंद की रेसिपी सेव करूँगी। ऑयल गरम कर दिया, इसके बाद आप इसमें सारे ये हमने ग्रेट किया था इस मसाले को, इसमें प्याज टमाटर मिक्स किया था, आपके साथ मैं आज शेयर करने लगी हूँ कि मेरी नंद कैसे चिकन बनाती है। वैसे उनके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये हमने 2 चम्मच दही लिया, बल्कि नहीं ज़्यादा लिया, इसमें हम कौरमा जिसको जितना टेस्ट अच्छा लगता है वो उस हिसाब से ले। इस दही में हमने कौरमा मसाला मिक्स किया है 2 चम्मच खाने वाले टेबल स्पून, और अब इसमें जाएगा नमक हसब ज़रूरत, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। मसाला हल्का सा ब्राउन हो गया तो इसमें अब हम दही में मसाले मिक्स किए हुए डाल दें, ऐड कर दिए, फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा, पक जाएगा, तो ये अपना घी छोड़ने लग जाएगा, इसमें हम सब चिकन ऐड करेंगे। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करेंगे। देखे सोना फुला गुलाब दिया चोरी नाल को कर सज। ये देखिए, ये हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, घी छोड़ रहा है आस्ता आस्ता, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शलजम। सालन के तड़के के साथ ऐसा एक तड़का मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। आदम खाना गलती कदम उबासा डाला धमाला ओ नरानी कदम उबासा डाला ला 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 ला। आपको हमने अम्मी और मामू का गाना सुनाया, और ये देखिए हमारा सालन भी एंड तक पहुंच गया। इसमें हमने शलजम ऐड किए और पानी डाल के इसको रख दिया, अभी थोड़ी देर में पक जाएगा। पकने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसे, और साथ ही शाम की चाय। और ये देखिए, ये हमारा सालन हो गया है तैयार। इसको हमने हल्की आंच में रखा है, ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच में, ये बिल्कुल हल्की आंच में थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, और इसके बाद हम जब रात को खाना खाने लगेंगे तो उस वक्त हम इसमें धनिया और सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे। फिर हम रात को आपको इसकी पिक्चर दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि ये हम कैसे तैयार हो गया। आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट्स करके हमें बताएं। लाइक और साथ ही कमेंट रहे।